माई 11th सर्कल प्रेजेंस क्रिक बज लाइव। हम बात कर रहे हैं साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच जो मुकाबला होने जा रहा है 5 जून को, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेंगे। अगर इंडियन टीम की बात करें तो ये पहला मुकाबला इस वर्ल्ड कप का भारत खेलने जा रहा है और ज़्यादातर बातें यही हो रही है कि किस प्लेइंग 11 के साथ भारत मैदान में उतरेगा। कुछ ऑप्शंस है, कौन से वो पोजीशन से जहाँ पे उन्हें एक फैसला लेना होगा अपने 15 खिलाड़ियों का जो इनका स्क्वाड है, उसमें से कौन से खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है और कौन कौन मिस करेगा, ये देखने वाली बात होगी। मुझे लगता है कि पहले 5 खिलाड़ी तो बिल्कुल पक्के हैं। केएल राहुल ज़रूर नंबर 4 पे खेलेंगे। पहले 3 खिलाड़ियों का जिक्र करने की कुछ आवश्यकता ही नहीं है। रोहित, शिखर और विराट कोहली ज़रूर वहाँ पे होंगे। 5 नंबर पर महेंद्र सिंह धोनी ज़रूर होंगे। 6 नंबर का विचार विमर्श ज़रूर किया जाएगा कि केदार जाधव का फिटनेस के बारे में बात होगी। अगर वो फिट है तो मुझे लगता है उन्हें ज़रूर मौका दिया जाएगा। अगर वो नहीं फिट है तो हो सकता है विजय शंकर के बारे में सोचा जाएगा या दिनेश कार्तिक, एक विकल्प ज़रूर वहाँ पर हो सकते हैं। गेंदबाजी की अगर बात करो तो मुझे लगता है कि क्योंकि मुकाबला साउथ अफ्रीका के साथ है, ज़रूर ये कोशिश होगी कि 2 लेग स्पिनर्स का समावेश टीम में ज़रूर किया जाए, तो कुलदीप और चहल को जगह मिल सकती है। और गेंदबाजी की अगर बात करें, तेज़ गेंदबाजी की, तो मुझे लगता है कि शमी और बुमराह के साथ आगाज़ किया जाएगा और हार्दिक पांड्या तीसरे विकल्प हो गए। अगर कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा ओवरकास्ट है तो विजय शंकर को ज़रूर चुना जा सकता है, मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि साउथ अफ्रीका के साथ ये मुकाबला होने जा रहा है। भारत ये ज़रूर चाहेगा कि 2 लेग स्पिनर्स, रिस्ट स्पिनर्स वहाँ पर ज़रूर हो, क्योंकि अक्सर आपने देखा है कि साउथ अफ्रीकन बैट्समैन लेग स्पिनर के ख़िलाफ़, रिस्ट स्पिनर्स के ख़िलाफ़ थोड़े से कमज़ोर है। और साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ जो सीरीज़ भारत जीता था उसमें कुलदीप और चहल का बहुत बड़ा योगदान था, तो मुझे लगता है उस चीज़ को थोड़ा ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा। साउथ अफ्रीका की अगर बात करें तो साउथ अफ्रीका के सामने काफ़ी कठिन सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से इस वर्ल्ड कप में उन्हें अपना कैंपेन शुरू करना चाहिए था, उस उम्मीदों पर ये खरे नहीं उतरे। अब तक 2 मैच ये हार चुके हैं और बांग्लादेश के साथ अगर आप हारो तो आपका मनोबल ज़रूर नीचे रहेगा। मैं ये समझता हूँ कि कभी कभी जब आप ऐसे टीम के साथ खेलते हो जो जिनके पास पोटेंशियल ज़रूर है, जीतने की क्षमता ज़रूर है, लेकिन वो हार चुके हैं मैच, तो उनके साथ खेलना कभी कभी कठिन हो जाता है, क्योंकि वो भी कुछ प्लानिंग करके आएंगे। हालांकि अगर आप उनके ऑप्शंस के बारे में देखो तो लुंगी एंगिडी भी इंजर्ड है, डेल स्टेन अभी तक पूरी तरीके से फिट नज़र नहीं आ रहे, तो उन्हें उस चीज़ पे ज़रूर ध्यान देना होगा। हालांकि आमला ज़रूर फिट होके वापसी कर रहे हैं तो उनका समावेश होगा, उसका मतलब मिलर को जगह नहीं मिल सकती, लेकिन एंगिडी की जगह कौन खेलेगा ये सवाल उनके सामने ज़रूर होगा। अगर स्टेन फिट नहीं है तो हो सकता है प्रिटोरियस के पास उन्हें वापस जाना पड़े, या तो शमशी का समावेश प्लेइंग 11 में हो सकता है। तो ऑल इन ऑल वुंडेड टाइगर्स के साथ ये खेल रहे हैं तो हो सकता है वो एक समस्या का विषय हो सकता है, लेकिन अगर भारत की देखो तो वो यही चाहेंगे कि बैटिंग अच्छे से करें और बुमराह एक्स फैक्टर ज़रूर होंगे, 2 लेग स्पिनर ज़रूर एक्स फैक्टर होंगे, और यही चाहेंगे कि हार्दिक पांड्या जिस फॉर्म में IPL में थे उसी फॉर्म को बरकरार रखें।